करण, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस स्टेशन मेरे बाप का है। मतलब? मतलब ये कि कोई भी मुझसे मिलने आता है वो लोग अंदर भेज देते, रुकते ही नहीं है। तुम ती करण लूथरा हो, इतने प्रिविलेजेस तो तुम्हें कहीं भी मिलेंगे ना। कोई भी तुमसे मिलने आएगा वो उसे नहीं रोकेंगे। ये भी बात सही है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हें ऐसे देखकर। गलत मत समझना, बट मुझे प्रीता के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये जानते हुए कि तुम्हारी ये हालत उसकी वजह से, वहां पर वो कंफर्टेबली बेड पे सो रही है, तुम यहाँ जमीन पे। मैं यहाँ पे भी कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और ज्यादा खुशी इस बात की प्रीता वहां पर है, सुकून से अपने घर में अपने बेड पर आराम से सो रही है। फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा मुझे। क्या अच्छा लग सकता है ऐसी हालत में? क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? मैं अपने आप को कोई टॉर्चर नहीं कर रहा। मैंने कहा ना, मैं यहाँ हूँ तो मुझे खुशी है, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ होके, यहाँ सो के। I'm feeling nice. करण क्या बोल रहे हो, यहाँ कैसे अच्छा लग सकता है तुम्हें? तुम नहीं समझोगे मेरा, बिल्कुल नहीं समझोगे। और अगर यही सवाल 2 साल पहले मुझसे कोई पूछता तो मैं भी नहीं समझता, तुम्हारी तरह एक्टिंग करता या फिर झूठ बोल देता। क्योंकि 2 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि प्यार किसे कहते हैं। 2 साल पहले मुझे उसका एहसास ही नहीं था, आज मुझे एहसास है कि मैं प्रीता से कितना प्यार करता हूँ। आज मुझे एहसास है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ। यह तो बहुत छोटी सी चीज है, यहाँ सो के जो तकलीफ है ना, जो दर्द है ना, उसमें भी एक अजीब सी खुशी है कि वो वहां पर सुकून से आराम से, दिल में चैन है कि उसे कोई तकलीफ नहीं है। तुम कैसे समझोगी कि प्यार क्या होता है? तुम कैसे समझोगी कि मैं कितना प्यार करता हूं प्रीता से? तकलीफ बस एक बात की है कि ये सब मैंने तुम्हें तो कह दिया, लेकिन जब प्रीता को कहने लगता हूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं तो मुझे शब्द ही नहीं मिलते हैं। कभी उसको बता ही नहीं पाया, आज भी नहीं बता पाता। अजीब बात है ना, बहुत प्यार करता हूं मैं उसे। बहुत अर्जेंट एक काम याद आ गया, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहां से बाहर निकाल ही लोगे। देखो, तुमने तुम्हारी तैयारी कर ली, तो मुझे हमेशा गिरने से बचा ले। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपनी वाइफ से बातें करने। दिल लग जाने दे। अमित जी,
खोल। बहुत सारा प्यार और एक माँ ला भी कह सकती है। सच कहूं तो जेल में ना करम तो जानती हूँ कि भगवान जल्दी से तुझे जेल से बाहर निकाल देगा, लेकिन मन बहुत घबराता है। कुछ अजीब अजीब सा महसूस होता है, नींद नहीं आती रात को। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो घबराना रोक ही नहीं पाता। अरे मुझे लग रहा है इतना दिल आपका घबरा रहा है, कहीं अफेयर शफेयर तो नहीं चल रहा आपका? मजाक सूझ रहा है ना, यहाँ इस जेल के अंदर में। जानता है जब कुछ साल पहले तू हमारी जिंदगी में आया था ना, बहुत प्यार आता था तुझ पे, अभी भी आता है, लेकिन कितना प्यारा बच्चा था, हंसता मुस्कुराता, थोड़ा शरारती, मन से हमेशा बहुत सारी दुआएं निकलती थी। तब ये नहीं जानती थी कि तू हमारे घर के साथ किसी रिश्ते में बंधेगा, लेकिन ऐसा लगता था कि भगवान ने कितने प्यार से बनाया तुझे। और फिर ना जाने क्यों वो दिन देखने को मिला जब प्रीता शादी वाले दिन घर वापस आई थी। हाँ माँ, वो मुझे इस घर से ले तो गया, लेकिन अपने घर पे नहीं लेके गया माँ, उसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। जितनी दिल से दुआएं देती थी ना तुझे, उतनी ही बददुआएं दी थी उस। मैं रोज भगवान के आगे यही प्रार्थना करती कि तुम्हें कभी भी कोई सुख ना मिले। मेरी बेटी रोती है ना, वैसे तुम भी रो, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी खुशी ना है। तुम तड़पो सारी जिंदगी। और जब वो कटघरे में खड़ी थी और तूने मुझसे कहा था कि तू उसे सजा नहीं मिलने देगा, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कितना मारा था तुझे। आप क्या कर रही है? सला ही छोड़िए। कितना मारा था, कितने थप्पड़ मारे थे, लेकिन कुछ नहीं बोला तूने, मेरे प्यार और इज्जत में कुछ नहीं बोला, चुपचाप सारी मार खाता। मैंने बहुत गलती करी बेटा, मैंने इतना जो तुझे मारा ना, लेकिन माँ ऐसी ही होती है, जिस बच्चे को प्यार करती है ना उसे मारने का हक भी रखती है। बहुत मारा था ना मैंने, उसके लिए सॉरी। प्लीज अब सॉरी मत बोलिए ना। आपने अभी कहा ना, अब माँ है मेरी, प्यार करती मुझसे बहुत, तो प्यार में आपने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ भी तो प्यार का हिस्सा है, और मुझे तो बचपन से थप्पड़ खाने की आदत है। शरारती था ना तो मोम लगाती थी, मैंने कभी बुरा भी नहीं माना, आपके थप्पड़ कभी बुरा नहीं माना। सच का मतलब बहुत प्यार है। इतना अच्छा है ना कि मुझे नहीं लगता कि चिराग लेकर भी ढूंढती तो तुझे ज्यादा मत मिलता। इसलिए परेशान हूं तुझे इस हालत में आ देखकर, लेकिन मैं जानती हूँ जल्द से जल्द दोबारा आ जाएगा। जब तूने कोई गलती की ही नहीं है, मेरा दिल कहता है तूने कुछ भी गलत नहीं किया, तो भगवान ज्यादा दिन तुझे यहाँ अंदर नहीं रखेंगे। पता है मुझे, हम दी करण लूथरा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा। जो प्यार मैंने दिया था ना, उसे आशीर्वाद समझ कर संभाल कर, आ रहेगा ना तो बहुत बहुत सारा प्यार करूंगी।
एक बात बोलूं, आप सब लोग ऐसे मिलने आ रहे हैं ना, इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी तो लॉटरी निकल गई। यहाँ के इतना प्यार मिल रहा है, वैसे तो हर कोई डांटता रहता मुझे, जेल में रहने का फायदा है। भगवान करे ये फायदा ज्यादा ना हो, जल्द से जल्द ये फायदा रुक जाए। ध्यान रखिएगा मैम। शालीन, तू मेरे कमरे में क्या हुआ? चाची जी वो कुछ नहीं चाची जी, बस ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो तू किसी के भी कमरे में नहीं जा सकती। चल बोल क्या बात। चाची जी मेरे दिल में कोई बात थी जो मैंने किसी से शेयर नहीं की। आप इस घर के बड़े हो तो मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं आपसे कर लूँ। बोल ना पुत्र, बोल दे, देख तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। और मैं घर की बड़ी हूं तो सबकी बातें मैं अपने दिल में ही रखती हूँ। चल बोल दे। चाची जी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, मैंने आज तक जो भी गलती की है, गलती से आपको कुछ भी भला बुरा कहा होगा, खरी खोटी सुनाई होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये बेबी चाची के रूम में क्यों आई है? अब यहाँ इसका क्या करने का इरादा है? अगर ये यहाँ आई है तो कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, कुछ तो करने आई है। मुझे पता है कि आप मेरा विश्वास नहीं करोगे और मैं चाहती भी नहीं कि आप मेरा विश्वास करो। देख पुत्र, मुझे है ना जलेबी पसंद नहीं है, बर्फी पसंद है। और तू ये जो मेरे साथ गोल 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 जलेबी की तरह बात कर रही है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चल सीधे सीधे बोल क्या बोलना चाहती है। ठीक है चाची जी, मैं तो चाहती थी कि मैं आपसे प्यार से बात करूं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं, तो अगर आपको बुरा लग गया ना तो इसमें मेरी गलती नहीं, आप ही की गलती है। अब आई है ना तू अपनी असली रूप में। अरे मुझे ना तुझसे प्यार वाली बातों में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ सीधे सीधे मैं भी बोल रही हूँ तुझे, तू प्यार वाली लड़की है ही नहीं, तेरे दिल में ना प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं। चल तू है ना अपनी असली रूप दिखा, चल बता। आपके दिल में भी प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। आप हमेशा कहते रहते हो कि करण आपके बेटे जैसा है, लेकिन उसके लिए प्यार आपके चेहरे पे तो कभी नजर नहीं आया। तो तुझे नजर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तेरी आंखें खराब होगी ना। मेरी आंखें खराब नहीं, आपकी। मेरा मतलब है आप, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चाची जी आपकी आंखों में करण के लिए जो प्यार है वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा? तो करण जेल चला गया प्रीता की वजह से। प्रीता चाहती तो करण को जेल से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन उसने अक्षय का फोन घुमा दिया। अगर वो फोन होता तो आज करण जेल से बाहर आ जाता ना, और आप यहाँ बैठ के ये पेपर पढ़ रहे हो। आप घर के बड़े हो ना तो जाइए कुछ करिए, हमारे घर पे ध्यान दीजिए। क्या मतलब है तेरा, घर पे ध्यान नहीं है? अरे तेरी तरह ना मैं यहाँ वहाँ घूमती नहीं रहती हूँ, घर पे ध्यान देती हूँ मैं। तू बोलना क्या चाहती है कि मैं प्रीता को जाके डांटूं, उसे मारूं, पीटूं? हाँ, वो हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि आप जाइए, उसे कुछ बोलिए, कुछ करिए, नहीं तो वो गलतियों पे गलतियां करती जाएगी। कुछ तो करो चाची जी। तू सही कह रही है, देख अभी बीबी क्या है ना, कभी कभी कोई बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती है तो मैं अपनी गलतियां सुधार लेती हूँ, बस वही कर रही थी। Exactly, कहना क्या चाहती हो तुम? कहना नहीं चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। क्या? ये देखना चाहती हूँ कि प्रीता का प्लान बी क्या है। उसके पास अक्षय का फोन तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, बस मुझे वो पता करना है। कैसे पता करोगी? वो चाची गई है ना, अब देखना वो जाके प्रीता को खरी खोटी सुनाएगी कि तुम्हारी वजह से करण जेल चला गया, तुम्हारी वजह से करण जेल से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि तुमने अक्षय का फोन घुमा दिया। फिर क्या,
पीता रोएगी धोएगी। वो बोले कि नहीं चाची जी, मैं करण को बचाने के लिए ये कर रही हूँ, मैं करण को बचाने। और फिर क्या होगा, रोते धोते वो अपना पूरा प्लान बता देगी, और जैसे ही वो अपना प्लान बी बताएगी, हम उसके हिसाब से अपने आगे की तैयारी करेंगे। क्या तैयारी की है तुमने? फैंटास्टिक। एक सेकंड रुको। इस फोटो की ना, फोटो का फ्रेम बनवाऊंगा, अपने बेडरूम में लगवाऊंगा, और फिर आरती करूंगा, पूजा करूंगा। क्या तैयारी की तूने? क्या दिमाग तोड़ा है तूने? फैंटास्टिक बेबी, फैंटास्टिक। पिता, सुनो बेबी, नीचे फैमिली ड्रामा शुरू हो गया, मैं मिस नहीं करना चाहती। मुझे देखना है कि चाची प्रीता को क्या क्या बोलेगी, ठीक है? हाँ, अच्छी लीटा। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी नहीं, 5 मिनट बाद आना। प्रीता, अरे ओ प्रीता, कहाँ गई तू? प्रीता, मम्मी, क्या बात हो गई? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? प्रीता कहाँ है? चाची जी, क्या हो गया चाची जी? तेरी बहन चली गई? हाँ जी, आपको कुछ काम था उससे? तेरे मायके वाले अगर यहाँ नहीं है तो मैं तेरे से खुल के बात कर सकती हूँ ना? मुझे ये पता करना है कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तू जिम्मेदार है। जी, ऐसा क्या हुआ है चाची जी? मतलब अगर कुछ गलत हुआ है आज के दिन में और आपको लगता है कि मेरी लापरवाही से हुआ है तो आई एम सॉरी, आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। कुछ लाना है आपके लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अक्षय का फोन चाहिए, दे। लेकिन पम्मी, वो फोन तो खो गया है ना? क्यों भाभी, इतना जरूरी फोन था, खो गया? खोना नहीं चाहिए था ना? मम्मी, कैसी बातें कर रही, क्या हुआ? सच्ची बात कर रही हूँ। ये प्रीता, जब देखो अपनी बहन और अपने मायके वालों में इतना बिजी रहती, ये भूल जाती है कि ये इस घर की बहू है। अरे इसे तो कोई पड़ी ही नहीं है कि इसका इसका पति जेल में है, और वो भी इसी की वजह से। मामी जी, आप क्या बोलने जा रही हैं? तू चुप रह। तुझे अगर मायके वालों से फुर्सत मिल गई है ना, तो जरा जरा ससुराल में ध्यान दे। मायके वालों से अपना दिल हटाकर थोड़ा ससुराल की जिम्मेदारियों में अपना दिल लगा। राखी जी, बात कीजिए, वरना मेरा बोलना ठीक नहीं लगेगा। महेश जी, आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। पम्मी, क्या हो गया तुझे, और इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? ये मैका, ये ससुराल, ये सब क्या बातें लेके बैठ गई तू? पम्मी, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि जब कोई लड़की अपना मैका छोड़ के ससुराल में आती है तो अपना घर, अपना परिवार, अपनी माँ, सब कुछ छोड़ के ससुराल आ जाती है, और फिर यहाँ आके नए रिश्ते बनाती है, उन रिश्तों में रच जाती है, बस जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो अपने मैके वालों को भूल जाए, अपने पुराने रिश्तों को भूल जाए, अपनी जड़ों को भूल जाए? ऐसा नहीं होता पम्मी, तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। करूंगी, मैं ऐसे ही बातें करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे करण की बहुत फिक्र है, समझे आप? अगर इसने इतना ध्यान मायके में नहीं दिया होता तो इसका ध्यान फोन पे होता ना? लेकिन इसकी गैर जिम्मेदारी तो देखो, अरे इसे तो कोई पड़ी ही नहीं है फोन की। अगर वो फोन होता तो हमारा करण जेल से निकल सकता था ना? पर चाची, वो फोन खोया ही नहीं है।